दोस्तों, नवरात्रि में माता की पूजा के दौरान भूल से भी तीन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती है और आपके गले गरीबी और दरिद्रता पड़ सकती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भवानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, इन पूजा के दौरान श्रद्धालु कभी व्रत करके तो केवल पूजा पाठ करके देवी भगवती को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र में आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आप भूल से भी तीन चीजें मात्र माँ भगवती को चढ़ा देते हैं तो दोस्तों, आपकी सारी पूजा के कोई मतलब नहीं रह जाता है और उस पूजा का आपको उल्टा फल मिलता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे माता रानी की पूजा में हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पहले एक जरूरी बात कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्रों का पहनना वर्जित माना गया है। माता की पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्रों को आप अपने से दूर ही रखें, क्योंकि इस रंग के प्रति नकारात्मकता ऊर्जा जल्दी ही आकर्षित हो जाती है। यही वजह है कि नवरात्रि पर काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए। जब भी पूजा में बैठें तो माँ को प्रिय लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग माता रानी का व्रत करते हैं और पूजा में माता रानी को अलग अलग चीजों का भोग चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है जो हमें भोग में नहीं लगाना है वो है अनाज। जी हाँ दोस्तों, माता रानी को भोग लगाते समय ध्यान रखें कि उसमें अनाज नहीं होना चाहिए। अनाज का दोस्तों माता रानी को भोग लगाना वर्जित माना गया है। माँ को फलों का भोग लगाना चाहिए और मिठाइयों, मिश्री, शक्कर, लौंग और इलायची का आप भोग माता रानी को लगा सकते हैं, लेकिन अन्न पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अन्न का भोग लगाने से माता रानी का अपमान होता है। दोस्तों, अगली चीज है वो है तुलसी का भोग। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाया जाता है। माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्तों या तुलसी के दानों का किसी भी तरह से प्रयोग वर्जित है। माता रानी की पूजा में तुलसी का भोग लगाने मात्र से ही माता रानी का क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि माता रानी की पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जब भी आप फलों का या किसी भी ऐसी चीज़ का माता रानी को भोग लगाते हैं तो उन चीज़ों में दोस्तों किसी भी प्रकार की गंदगी या दोस्तों वो चीज़ जो है पक्षियों द्वारा या किसी भी प्रकार के चीज़ों से वो है वो खराब नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में उस पूजा का फल आपको नहीं मिल पाता है। साथ ही दोस्तों, पूजा के दौरान जब आप नवरात्रि का व्रत करते हैं तो 9 दिनों तक कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाल, दाढ़ी, मूछ कटवाने से भी परहेज करना चाहिए। धर्मशास्त्र में नवरात्र के दिनों में ये कर्म पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। नवरात्र का व्रत करते हैं या केवल पूजा ही करते हैं तो भी 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए, यानी कि भूल से भी शारीरिक संबंध हमें नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं यदि नवरात्र के दौरान व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों, देवी भगवती की पूजा में सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए पूजा के नियमों में ये बताया गया है कि कभी भी नवरात्र के दौरान यदि स्त्री रजस्वला हो जाए या वो दोस्तों मासिक धर्म में आए तो उसे घर या मंदिर कहीं पर भी माँ की पूजा जो है वो नहीं करना चाहिए और उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। नवरात्र का व्रत करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में इसे तामसिक माना गया है। यही वजह है कि 9 दिनों के दौरान इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिनका वो उपयोग वर्जित है।
धन्यवाद।